हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। इस रिडल में चेक करने वाले हैं आपकी पार्टनर की फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके रिश्ते कनेक्शन के बारे में। ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, आप सबके लिए है। तो चलिए फोकस उन पर बनाकर रखिए, साथ में यूनिवर्स से जरूर प्रे कीजिएगा कि वो आपके शेडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे आपको, आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करे, आपको क्लैरिटी दें, ठीक है। तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, जो भी आपका सिचुएशन है उनके साथ, ठीक है। आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एक कार्ड मिला है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मनी को लेकर, कैरियर को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर आपके पर्सन मुझे निराश दिखाई दे रहे हैं। रीज़न फैमिली इशू हो सकता है, फादर इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि उन्हीं की वजह से ये जो मेरा रिश्ता है वो अटका पड़ा हुआ है, क्योंकि उनका परमिशन नहीं है। ऐसा हो सकता है, ये तो वो ट्रेडिशनल वे में शादी चाहते हैं, अपने कास्ट रिलीजन में शादी चाहते हैं, ये हो सकता है। आपके रिश्ते को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है फैमिली का, फादर का, ये हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन को ना कहीं कहीं ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने अपने ईगो की वजह से आपको खो दिया है। इनके ईगो भी ये रीज़न है कि आप दोनों के बीच कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है चीज़ें। और इनको ये भी लगता है कि रीज़नशिप यही नहीं है, आप भी हो, आप में भी थोड़ा सा ईगो इशू है, ठीक है। काश आप, पता नहीं क्यों कि इनके एनर्जी है, पर इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़िद्दी हो, ज़िद्दी बैठे हुए हो, जिद आपने पकड़ लिया है, ना ही आप कुछ कर रहे हो, ना ही ये पसंद कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने सब कुछ कर लिया है, इस वाले एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये ज़रूर चाहते हैं कि आगे बढ़े, आपका रिश्ता स्टक ना रहे, ठहराव आ गया है, उसको लेकर मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि क्या ऐसे ही रहेगा कि आगे भी बढ़ेगा आपका और आपका और इनका कनेक्शन आगे भी बढ़ेगा कि बस ऐसे ही यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन मुझे चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं इस पर्सन को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी है, पहले से ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कि पहले ईगो में बैठे हुए थे, जिद्दी, काफ़ी जिद्दी स्वभाव के हैं, ऐसा हो सकता है। इनके एनर्जी ऐसा था कि मुझे इस नो कॉन्टैक्ट से, सेपरेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ता भी था तो अपने इमोशनल साइड इन्होंने कभी आपको नहीं दिखाया है, ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर ये मेल है तो, ठीक है। पर आज ये पर्सन काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हैं मुझे, काफ़ी टेंशन में है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये तो एरीज हो सकते हैं। देखिए बातचीत नहीं हो रही है ना, उसी कारण है वजह, ठीक है, वजह वही है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, मिले नहीं हैं, मिलना चाहते हैं, या ऑन एंड ऑफ से सिचुएशन होता है आप दोनों के बीच, कभी सही चलता है चीज़ें, कभी ख़राब हो जाता है, कभी मीटिंग होती है, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, कभी अचानक से ब्रेक आ जाती है, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो। तो इससे आपके पर्सन थक चुके हैं, स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं, कम्युनिकेशन हो, रिश्ता आगे बढ़े, सही से बढ़े, ये इनकी एनर्जी है। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। लग रहा है कि ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, पर आप नहीं मान रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से खुद को डिटैच कर रहे हो इनसे। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको चेज करना पड़ेगा आपको, जो कि ये करना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी किया है। मुझे नहीं पता कि आपके पार्टनर ने आपको चेज किया है कि नहीं, पर इनकी एनर्जी यही है कि मैंने ऑलरेडी उसको मनाने की कोशिश किया है, सही करने की कोशिश किया है, और अब मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। हाँ, बातचीत जरूर चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके रिश्ते में, पर चेज करना नहीं चाहते। आपके पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, इनकी यही एनर्जी है कि मैंने ऑलरेडी किया है तो उसको मुझे करना चाहिए। मुझे ना ये भी दिखाई दे रहा है कि आई थिंक आपकी पर्सन को हेल्थ इशू हुआ, जिसके बारे में पता नहीं आपको खबर थी कि नहीं थी, पर इनको ऐसा लगता है कि आप जानते हो, और आपने एक भी बार नहीं पूछा कि ये पर्सन कैसे हैं। भले हो सकते हैं कि आपने दो चार बार पूछा कि ये कैसे हैं, ठीक हैं कि नहीं, इनके तरफ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला,
या तो इनका तबीयत मुझे ख़राब दिखाई दे रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है, या तो ये पर्सन आपके रिश्ते को जब छोड़कर जा रहे थे तब आपने इनको रोकने की कोशिश किया, बात जानने की कोशिश किया वजह क्या है जिस इनको आपने किया है, पर इनको ऐसा लगता है कि आपने वो करके छोड़ दिया। ठीक है, आपको करते रहना चाहिए था। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए? आपसे दूर गए भी थे तो कहाँ इतना आसान था, क्योंकि प्यार हो आप इनके, हमेशा आगे बढ़ने का ख्वाब इन्होंने देखा था, हमेशा सोचा था कि आगे बढ़ेगा, कभी रुकावट ठहराव अलगाव नहीं आएगा आप दोनों के बीच, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, पर आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है, महीनों से दिनों से बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, इन्होंने भी मुंह मोड़ा है आपने भी, अब तो दोनों की ही एनर्जी है मूव ऑन करने का भूलने का। ठीक है, इस पर्सन को सबसे ज़्यादा हर्ट क्या चीज़ पहुंचा रही है? आपका मूव ऑन करना, ठीक है, आपका आगे बढ़ना, आपका पेट दिखाना, आपका भूलने की कोशिश करना, ये इनका थॉट्स है, भले आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर का ये थॉट्स है कि वो मुझे भूल रही है, वो मुझे भूल रहे हैं। कभी सोचते हैं कि आपसे बातचीत करना चाहिए, क्या करूं, क्या उसको मनाने की कोशिश या जानने की कोशिश उससे ही करूं क्या कि क्या हाल है, पूछ लेता हूँ एक बार, पूछ लेती हूँ क्या हाल है, वो ठीक है कि नहीं, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उसको हेल्थ इश्यू हो रहा है, वो ठीक तो है ना, ठीक तो होगी ना, या ठीक तो होंगे ना, कर लूँ क्या कॉन्टैक्ट उसका तबीयत वबीयत पूछने के लिए, जानने के लिए कि सही है कि नहीं, पर ऐसा सोचते हैं नहीं यार, बड़ा प्रॉब्लम्स है हमारे बीच, फाइट हुआ है, या तो काफ़ी सारे लोग अगेंस्ट हैं नहीं चाहते दोनों के साइड से, या तो ये पास्ट की एनर्जी है फैमिली की फैमिलीज के बीच, या तो आप दोनों के बीच फाइट हुआ है, ठीक है, या लोगों का इंटरफेयर है, या इनको ऐसा लगता है कि फिर से फाइट हो जाएगी आप दोनों के बीच। ठीक है, 5-5 की एनर्जी मिला है मुझे, 555, और तीनों ही कार्ड निगेटिव है। ठीक है, आपके रिश्ते में राइट नाउ निगेटिविटी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये नहीं चाहते कि और फाइट हो आप दोनों के बीच, और आप दोनों के बीच अनबन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये आपसे बातचीत करने को आते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो ऐसा ना हो कि फाइट ही हो जाए आप दोनों के बीच। आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, इस पर्सन को इस चीज़ का डर है, ये भी रीज़न है इन्होंने खुद को रोका हुआ है। ठीक है, ये इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फाइट हो रहा है किसी के साथ, यहाँ पर सुलझा नहीं पा रहे हैं, और इधर आपके साथ भी सही नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, जब वक्त सही होगा थोड़ा सा ये जो फाइट वाला एनर्जी है वो सॉल्व होगी, रिजॉल्व होगी, शांत होगी, मामला ठंडा होगा, तब ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, आप क्यों आएंगे, बिल्कुल आपसे बातचीत करेंगे, पर ये सब सुलझा कर। ठीक है, जो इनकी लाइफ में फाइट हो रहा है या आप दोनों के बीच हो रहा है, आप दोनों के बीच सब कुछ शांत हो जाए, हो सकता है कि राइट नाउ आप काफ़ी गुस्से में हो, या तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, या और लोगों का इंटरफेयर है आउटसाइडर्स का, तो शांत होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, आपके साइड से है तो ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, कि आप कब फाइट को सुलझाओगे, कब इनकी ओर आओगे, कमिटमेंट दोगे, कब आप दोनों एक सही तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे, साथ में आओगे, और इनके साइड से है तो मैं आपको बता देती हूँ फाइट चल रहा है। ठीक है, यह तो कोई लोग हैं जो कि आई थिंक इनको ये एडवाइस दे रहे हैं कि इनको आपके साथ रिश्ता को तोड़ देना चाहिए, रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, इनको मूव ऑन करना चाहिए, कितना इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि आप इनसे दूर हो, ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये काफ़ी दूर हो, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इनको ऐसा सलाह मिल रहा है कि इनको मूव ऑन करना चाहिए, इनको आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्हें तो कोशिश किया है सब कुछ सही करने का, उसका साथ पाने का, पर क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे बीच फाइट हो रहा है और वो कोई पॉजिटिव साइन दे ही नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मूव ऑन कर
लेना चाहिए, इस तरह का इनको सलाह मशवरा मिल रहा है। ठीक है, उसे दूर जाना ही तुम्हारे लिए सही है, वो राइट नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो स्पेशली ये फीमेल हैं तो ठीक है, बाकी कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो बिल्कुल रीडिंग आपके लिए है, ये एनर्जी आपके लिए है। हो सकता है कि कुछ एनर्जी आपके लिए ना हो, कुछ हो तो जो आपके लिए है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो उस चीज को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है देख लेते हैं, या इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, क्या होगा इस रिश्ते का आउटकम। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको बहुत 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 ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। ये जो सिचुएशन है बहुत 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 मुश्किल है। आपका रिश्ता ऑलरेडी टूट गया है, टूटने के कगार पर है, ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुके हैं, सेपरेशन में हो, डाइवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, दोनों अलग हो चुके हो, या तो ये चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है होने का। रीडिंग में आया है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये रीडिंग में आया है, आपकी रीडिंग में आया है। आपको राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा सावधानी से कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है, या तो पेशेंस बना कर रखिए कुछ मत कीजिए। ठीक है, आप अपने तरफ से सही रहिए, राइट रहिए, ये नहीं कि सामने वाले पर्सन मिसबिहेव कर रहे हैं, आपसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बदले में आप ही उनके साथ फाइट करने लग जाओ, वो सुना कुछ रहे हैं तो आप अच्छा खासा सुना दो। नहीं, अगर आप इनके साथ रिश्ता चाहते हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ हैंडल करना होगा, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। आप कर सकते हो, ठीक है, आपको धैर्य रखना है, आपको हिम्मत रखना है, भरोसा रखना है, और कुछ नहीं हो रहा है तो बस साइलेंट हो जाइए, चुप हो जाइए, थोड़ा सा दुनिया आप बनाइए। अगर फाइट हो रहा है बातचीत करने से, तो थोड़ा सा दुनिया आप बनाइए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, कुछ मत कीजिए। अगर कोई आपका नहीं सुन रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो बस साइलेंट हो जाइए। यह आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, हाँ ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, टेक केयर।